8 साल बाद मैं विलायत से डॉक्टरी की ऊंची से ऊंची शिक्षा लेकर घर वापस आ रहा। यही वो किनारा है जिसे मैंने कभी छोड़ा था। आज उसी किनारे की तरफ बढ़ता जा रहा हूं। समंदर की लहरों से ज्यादा उतावली मेरे दिल की लहरें अपने मुल्क को छूने के लिए। 8 साल में दुनिया बदल गई, मुझे पहचानने वाला कोई नहीं, लेकिन ये सामने की कोठी मुझे जरूर पहचानती होगी। पिताजी जो मुझे आखिरी बार देखने की तमन्ना लेकर चल बसे हमेशा के लिए। पैरा नंबर 3 फिर से सुनाइए। आप शायद इन्हें न जानते हो। मैं जानना भी नहीं चाहता, आगे पढ़िए। श्यामापुर का गांव गुमास्ता तिकाराम को दे दिया जाए और छत्रीपुर का गांव बड़े महादेव के मंदिर के नाम लिख दिया जाए, जिसकी आमदनी सिर्फ मंदिर को मिले, पुजारी का उस पर कोई हक न हो। और फूलनगर का गांव मेरे बेटे आनंद को दे दिया जाए। हाँ, साथ वो पुरानी गाड़ी जो अभी तक गैरेज में पड़ी हुई है। और ये मकान? ये तो मुझे मिला है। मुझे सख्त अफसोस है आनंद, प्रकाश नारायण बाबू तुम्हारे लिए। जी कोई बात नहीं, आप तो जानते ही हैं कि मुझे किसी की मदद की जरूरत महसूस नहीं होती। अगर पिताजी मुझे सारी जायदाद दे जाते तो भी मैं उसे इसी तरह तकसीम कर देता। आखिर मुझे गांव में रहने के लिए कितने रुपयों की जरूरत है? गांव? गांव क्यों, आखिर तुम यहाँ भी तो दवाखाना खोल सकते हो। जी नहीं, डॉक्टरी तो मैंने फर्जिया सीख ली थी ताकि हमेशा गरीबों की मदद कर सकूं। कल ही किसी गाँव में चला जाऊंगा। किसी गाँव में क्यों, फूलनगर तुम्हें जाना ही पड़ेगा। वहां की दीवा जमींदारी से गांव का कब्जा लेने मैंने पहले ही नोटिस भेज दिया है, जाते ही कब्जा मिल जाएगा। तो ठीक है, चल के मुझे वो गाड़ी दिखा दीजिए। चलो। क्या बात? साहब जी, मालूम होता है गाड़ी पंचर हो गई है। पंचर नहीं, पंचर। पंचर? अरे दीदी, इसका इंजन खराब हो गया। इंजन? हाँ, इंजन, इंजन, इंजन। क्या चाहिए? आप कहीं तो मैं कुछ मदद करूं? जी नहीं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए देखिए साहब जी, अगर आप कहें तो हम सब मिलकर आपकी गाड़ी को धक्का मारे तक। अच्छा। लेकिन एक शर्त है साहब जी। शर्त? वो क्या? मुझे फूलनगर छोड़ना पड़ेगा। देखिए साहब जी, मेरी माता जी की बिल्कुल तबीयत खराब है। मैं अभी भी हकीम साहब के यहाँ गई थी, वो भी जरा खुद इतनी बीमारी की ओर बैठ नहीं सकती। आपकी माता जी की तबीयत खराब है? अब तो मैं उन्हें भी ठीक कर दूंगा। फायदा नहीं है हकीम जी। मैं डॉक्टर साहब हूँ, डॉक्टर साहब। चलो ले जाए हर मुझे दुनिया। कोई भैया, कोई भैया, कोई भैया।
लड़के को जुए से फुर्सत नहीं। लड़की कब से बैद को बुलाने गई है, अभी तक नहीं लौटी। हे भगवान, हे भगवान, न जाने इस घर का क्या होगा, क्या होगा। माता जी मर गई। माता जी, माता जी, वो बैद जी तो खुद ही बीमार पड़े हुए हैं, बिस्तरे पर से उठ भी नहीं सकते बिचारे। माता जी, ये डॉक्टर साहब रस्ते ही में मिलकर बड़े अच्छे डॉक्टर साहब हैं। माता जी अपने ही गांव आ रहे थे, मैं इन्हीं को ले आई हूँ। अंग्रेजी डॉक्टर है डॉक्टर साहब हैं। अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब इधर आइए ना। ये मुझे, ये डॉक्टर साहब। माता जी, ये डॉक्टर साहब हैं। खड़े क्यों हैं कुर्सी पे बैठने के लिए? क्या शिकायत है आपको? अरे बेटा, एक शिकायत हो तो कहूं, जब से इसके पिता हम लोगों को छोड़ के चल बसे तब से शिकायत ही शिकायत है। दूसरी शिकायत यह है कि अगर वो आकर मकान पर कब्जा कर लेगा तो हम लोग जाएंगे कहां। घर में जवान लड़की है, एक छोटा बच्चा है, अच्छे दिनों में तो सब साथी थे, बुरे दिनों में कोई नहीं। अब तो पेड़ के नीचे रहने के दिन आ गए बेटा, पेड़ के नीचे। खांसी भी आती है आपको? खांसी आती है, बुखार आता है, बस मौत नहीं आती। हाथ पांव जकड़े रहते हैं, न चल सकती हूँ न फिर सकती हूँ। अरे कितनी शिकायतें हैं, एक हो तो कहूँ। आप चिंता न कीजिए, आपकी सब शिकायतें दूर हो जाएंगी। तो बेटा तुम कोई वकील भी हो क्या? यही समझ लीजिए, ये दवा खा लीजिए, कल सुबह दूसरी गोली दूंगा। सुबह कहाँ मिलोगे, कहाँ ठहरे हो? जी ठहरा तो कहीं नहीं, नया नया आया हूँ इस गांव में, सोचता हूँ। अरे तो इतना बड़ा मकान है, ठहर जाओ ना। हाँ हाँ, ऊपर वाला कमरा भी खाली पड़ा है। मगर तिरछे क्या कहेगा, उसे बगल वाले कमरे में डाल दे। हाँ क्या ख्याल है, कब्जा लेने की बात आज ना की जाए? जिनका मेहमान बन गया हूँ उन्हीं को घर से निकालना ठीक नहीं, फिर देखा जाएगा। और बुढ़िया को अगर मालूम हो गया तो हो सकता है उसकी तबीयत और खराब हो जाए। और इस लड़की का क्या नाम है, इसका पूनम, इसके दिल को भी बहुत सपना पहुंचेगा, क्यों किसी को बेकार तंग किया जाए। और मैं इतने बड़े घर का करूंगा भी क्या, ये एक कमरा काफी है। बस अब और कुछ नहीं चाहिए। और वो जो सामान बाहर रखा है डॉक्टर साहब, वो कल सुबह देखा जाएगा, गाड़ी में ताला लगा दूंगा मैं। चोरी वोरी का डर यहाँ नहीं है, मेरे चिच्छे भैया से सारा गांव डरता है। और मारपीट के मामले में तो वो रही उनकी तस्वीर। सत्ता, 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 ये सत्ता। नो है भैया, नो, नो है, नो है, नो है, तो चलो निकलो भैया। इतना जल्दी और भी खेलो ना। अबे लूट तो लिया, और भी खेलो। भैया मेरे 20 रुपए, अबे ले लेना तेरे 20 रुपए। वाह तिरछे भैया, अपने तो पैसे गर्दन पर चढ़ के वसूल कर लेते हो। तू चढ़ के वसूल कर दूंगा। कौड़ी बना के लाते हैं और लूट लेते हैं, फिर जाने। अबे देख कर नहीं चलता अंदर कहीं का, चल भाग। आप आई जानिब को तिरछे कहते हैं, और आप किस खेत की मूली हैं? अपनी माता जी से पूछ लीजिए। क्या मतलब? अपनी माता जी से पूछ लीजिए। सुबह किसकी शक्ल देखी? क्या मतलब? मतलब ये कि यहाँ से 9:00-11:00 हो जाओ, वरना 12 बजा दूंगा। सीधी तरह पूछता हूँ कि आप ही बता दो, तो कहते हैं माता जी से पूछो। हाँ क्या बात है, बस खा चुके? पेट कुछ ज्यादा भर गया है। मैं तो मीठा लाई हूँ, कल नमकीन बनाऊंगी। अरे ला यहाँ। कौन है ये? भैया ये डॉक्टर साहब है। ओ डॉक्टर साहब बैठिए ना। माता जी, ये भैया डॉक्टर साहब। काय को चिल्लाती है, क्या बात है? अरे देखो ना माता जी, ये तिरछे भैया डॉक्टर साहब से लड़ते हैं। हाँ हाँ, और कहते हैं जाओ बाजू।
माताजी के कमरे में पड़ रहा जाके। अरे काय को झूठ बोलती है? अरे मेरी तो सुनो, अब माताजी खाना तक नहीं खाने दिया बेचारों। अरे झूठ बोलती है माताजी, वो तो अभी खुद कह रहे थे कि पेट भर के खाए, देखना एक रोटी बची। मैं सब जानती हूँ, तेरे मारे भला कोई इस घर में रह सकता है? जाओ उस कमरे में सो, जाओ। मैं काय को उस कमरे में सो, मैं तो इसी कमरे में सोऊंगा, ये मेरा कमरा। क्या कहा? मैं इसी कमरे में सोऊंगा। अरे माँ तू काय को मारती है, सबके सामने मेरी बेइज्जती होती है, शहर भर मुझे सिर ठकाते हैं। माँ मैं बीड़ी ले लूँ तो जाऊँ? अच्छा ले ले। माफ करना बेटा, अगर तुम्हें इसने कुछ कह सुन दिया हो तो, इसके लक्षण नहीं ऐसे है। जी वो तो जाहिर है। हाँ तुमने अच्छी तरह खाना तो खा लिया ना? खा लिया। अच्छा अच्छा मैं जाती हूँ। ना मान मैं तेरा मेहमान, ना जाने कहाँ से उठाई गिरों को उठा लाती है, माँ को भी कोई धंधा नहीं रहता। इसमें तो कुत्ते बिल्ली भी नहीं रह सकते, माल गर्दा भरी हुई है। पीछे देख, तो फिर उस कमरे में गया तो सर तोड़ दूंगी तेरा। हाँ सर तोड़ देगी, मुफ्त का तो आया। फिर वही बात। माँ रात को ठंडी लगेगी, जरा चादर मंगवा दे। जा रहे, चादर दे दे। जा बे, खड़ा क्या मुंह दे रहा। सुना पानी का लाती तो हूँ। और सुन वो मिठाई का खा तो चुके? खा तो चुका। अरे वो तो उसके हिस्से की थी, मेरे हिस्से की कहाँ? वो तो उसके हिस्से की थी, तुम्हारे हिस्से की बिल्ली खा गई। बिल्ली खा गई? तुझे बिल्ली नहीं खा गई? देख ज्यादा नखरे करेगी तो मैं किसी बुड्ढे से शादी करूंगा, ये नखरे तिल्ले सब जाते रहेंगे। देखो भैया मुझसे ऐसी बातें ना करो, माँ से कह दूंगी। हाँ माँ से कह देंगी तो क्या माँ का डर पड़ा होगा? बकरी की नाक क्या चले? भैया डॉक्टर तुम तो हजाम भी हो यार, है? बोलो कुछ तो जवाब दो। अरे भाई हजाम नहीं सही, मगर हजामत तो करनी आती है, है?
अरे हाँ यार, कल मैंने कलवा से दाढ़ी बनाई थी, दो चार खूटियां निकली, जरा इसे भी साफ कर दो। बड़ा रूखा आदमी, जवाब भी नहीं देता। क्या मुलायम बिस्तर है, कसम भगवान की तुम्हें तो रात भर नींद खूब आई होगी भैया। है अरे हमें देखो, हमारी माँ ने उस कबाड़ खाने में डाल दिया, रात भर खटमल और मच्छरों ने काट काट के पीठ सजा दी, कसम भगवान की। है भैया। अरे यार तुम तो अजीब डॉक्टर हो। अरे बना दो, दो तीन आने ले लेना, और क्या है? अरे भाई कुछ तो मेहमान नवाजी का हक अदा करो यार, मुफ्त की बैठे बैठे खाते। इस डॉक्टर से तो मैं ही खूबसूरत मालूम होता हूँ। वाह बेटा तिरछे। अरे नदिया किनारे मेरो गाँव, नदिया किनारे मेरो गाँव, नदिया किनारे मेरो गाँव। के बलमा हो गए जेंटलमैन, के बलमा हो गए जेंटलमैन, अरे जेब में डाले झूठी घड़ी और चैन, के बलमा हो गए। कुछ नहीं माता जी, ये सब क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं माता जी, वो डॉक्टर अपने कपड़े पड़े इधर उधर फेंक गया था, मैं संभाल के रख रहा हूँ। हाँ। तूने कहीं डॉक्टर झगड़ा तो नहीं किया? बस तेरे को तो यही लगा रहता है कि मैं झगड़े करता फिरता हूँ। हाँ बेटा, देख तेरे पिता मेहमानों कितनी खातिर करते थे। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ माता जी, मगर मुश्किल ये है कि कहीं से अगर 50 रुपए मिल जाए तो वो चंदुआ के पास से अपनी घोड़ी ले आऊं और तांगे में जोड़कर अपने मेहमान को खूब सैर कराऊं, मगर मुश्किल ये है कि 50 रुपए लाऊं कहाँ से। रुपए तो मैं दे दूं, मगर तू कहीं। अरे माता जी मैं कहीं ऐसा हूँ, कसम जवानी की अगर झूठ बोलूँ तो मेरा मुर्दा निकले। वही बात, सबाब में लगाम नहीं, जो जी में आता है बक देता। माता जी मगर वो 50 रुपए। पर चाबी मेरे पास कहाँ है, वो तो पूनम ले गई। पूनम ले गई? हाँ। अरे तो पूनम यही कहीं तालाब पे गई होगी। हाँ। तो मैं सुन तो आपको सुनता है कहा। आहा। चली बहुतिया बहुतिया, बांध पजनिया पाँव में, छम 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 की सुने छमकिया, घने कदम की छाँव में। अरे लगते भाई, इसीलिए तो कहने वाले सच कह गए हैं, हुस्न भरा है गाँव में, कहने वाले सच कह गए हैं, हुस्न भरा है गाँव में, हुस्न भरा है गाँव में, हाय गाँव में, हाय गाँव में, हुस्न भरा है गाँव में, हाय गाँव में, हाय गाँव में, कहने वाले सच कह गए हैं, हुस्न भरा है गाँव में। एक चुनरिया भीनी भीनी, उसके अंदर चांद सा मुखड़ा। अरे भाई वाह 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 वाह। अरे नजरें तीर चलावे छुपके, घनी लट्टों में दिल है जकड़ा, मीठी सी मुस्कान दिखा के, नमक न छिड़को गाँव में, कहने वाले सच कह गए हैं, उसमें भरा है गाँव में, कहने वाले सच कह गए हैं, उसमें भरा है गाँव में, उसमें भरा है गाँव में, हाँ गाँव में, हाँ गाँव में, उसमें भरा है गाँव में, हाँ गाँव में, हाँ गाँव में, कहने वाले सच कह गए हैं, उसमें भरा है गाँव में। अरे मेरी भी सुन, अरे देखी मैंने बहुत छुकड़िया, लाली पाउडर वाली रे, अरे तन की सब है उजली उजली,
मन की काली काली रे। अरे भाई ची 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 काली काली एकदम। बड़ा मजा है भोली भाली, गोरी की अदाओं में कहने वाले सच कह गए हैं। उसन भरा है गाँव में कहने वाले सच कह गए हैं। उसन भरा है गाँव में, उसन भरा है गाँव में, हाँ गाँव में, हाँ गाँव में, उसन भरा है गाँव में, हाँ गाँव में, हाँ गाँव में, कहने वाले सच कह गए हैं। उसन भरा है गाँव में कहने वाले सच कह गए हैं। उसन भरा है गाँव में। आप लोग बड़ा अच्छा गाते हैं। अच्छा कहाँ से आए हैं? किसी से कहना नहीं, गांव में गांव। संग्रामपुर बहुत अच्छे। राजा में राजा संग्राम सिंह बहुत अच्छे। और पुरोहितों में पुरोहित पलटू पांडे गधा। कुल पुरोहित पलटू पांडे। पांडे पलटू तू के तू 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 नहीं मैं। आपको क्या कहते हैं जी? मैं इन्हें नक्टा नाऊ कहते हैं। नक्टा नाऊ नाम है ना। अच्छा होगा। यहाँ किस काम से आए हैं? महलों में महल, अटारी में अटारी। सोनी परी है, नहीं है रानी हमारी, इसीलिए ढूंढने की करके तैयारी। निकले हैं दो नौकर सरकारी। दिल्ली देखी, बंबई देखी, देखी दुनिया सारी। अरे तुमको अब बेचनी पड़ेगी। क्या? तरकारी। क्या खाक बेचेंगे तरकारी? अब तक मिली न कोई मोहिनी मूरत प्यारी। प्यारी कैसी मोहिनी मूरत प्यारी? मैं बताऊं? मैं बताऊं? बता। बाली उम्र हो। क्या? बाली उम्र हो, पतली कमर हो, समझी, तिरछी नजर हो। जरा शरीर चाहिए ऐसी। जी हाँ। गोरी गोरी, भोली भाली, गालों पे लाली। बस बस बस, बस हमारी पूनम जैसी। क्यों समझ गई? चल ला ला चाबी। ला चाबी अभी नहीं है मेरे पास। है चाबी अभी नहीं तेरे पास? चल घर चल मेरे साथ। कपड़े धोने हैं अभी मुझे। दिन भर कपड़े धोती रहती। अबे ये क्या बंदरों की तरह हरकत कर रहा है? सरकार ना या कोई बंदर है ना कलंदर, ना गोरख है ना मच्छंदर सरकार। खूब तोते की तरह बोलते हो यार। हम तो आपके गुलाम हैं सरकार। अबे भांड हो भांड। सरकार आवाज से क्या पर्दा है? हाँ वो तो सूरत से मालूम होता है। तिरछे भैया ये संग्रामपुर से आए राजा के लिए रानी ढूंढने। अच्छा यार तो ये रानी वानी छोड़ो और तिरछे के लिए कोई तिरछी ढूंढो। अरे सरकार एक तिरछे के लिए हजार तिरछियाँ हैं। इस दिल के लिए हजार बर्छियाँ हैं। फिर वही भांड पना है? अबे तुम लोग जानते हो मैं कौन हूँ? मैं इस गांव का जमींदार हूँ जमींदार। अच्छा हाँ। फिर सरकार तिरछियों का क्या घाटा? अच्छा तू जा तो चल, चलो घर चल के बात करेंगे। हाँ। अरे पूनम चली गई? पूनम कौन सरकार? मेरी बहन है, बड़ी शरीर है। चलो घर चल के बात करें। अबे नहीं हो के मारा बच्चू। आप लोग कौन है? हमें क्या पता। आप लोग कौन है? देखिए साहब आपसे बात करनी है या जानोश। किसने ठहरा आपको यहाँ? ठाकुर ठाकुर तिरछे सिंह। तिरछे सिंह जी। अजीब लोगों से पाला पड़ा है। कमरा क्या है? धर्मशाला है। ए मिस्टर चपड़ गोचन, ये क्या बड़बड़ लगा रखी है? मालिक की खुशी, जिसे चाहे उसे वो अपने घर में रख सकता है। मुझे भीड़ में रहने की आदत नहीं। ये नजाकत किसी और को दिखाओ। ये तुम्हारे बाप का मकान नहीं। आपको अच्छी तरह मालूम है? अच्छी तरह नहीं मालूम तो और क्या। तुम्हें सीधी तरह रहना तो रहो, नहीं तो यहाँ से 9 to 11 हो जाओ, समझे? तुम्हें शर्म नहीं आती?
मेहमान का अपमान कर रही हूँ? और इसे शर्म नहीं आती, ये मेरे मेहमान का अपमान कर रहा? लेकिन इनको माता जी ने यहाँ ठहराया है। तो इनको मैंने यहाँ ठहराया है। उफ़, मैं माता जी को बुला के अभी कह देती हूँ। दादा, माँ का जब देखो जब डर बताती। चलो यार, अपन हवा खाएंगे। डॉक्टर साहब, आप कुछ ख्याल ना कीजिएगा, आप भैया की आदत तो जानते ही हैं। जी, जो कुछ बाकी था आज मालूम हो गया है। तो बात पक्की हुई सरकार? हमारी तरफ से पक्की। ये तस्वीर मैं माता जी को दिखाकर उन्हें राजी कर लूं। लेकिन दहेज में बहुत कुछ देना होगा सरकार। रास्ते हजार निकल आएंगे यार। सरकार, पूनम बहन को ब्याह दीजिए राजा संग्राम के दरबार, और वहाँ से जो माल आए उससे खरीद लीजिए जलेबी का प्यार। यार तरकीब तो खूब है यार, नदी का पानी नदी में है। तुम दोनों हो बहुत समझदार। आप कदरदार है सरकार। जी सरकार। अच्छा चलो चलिए। ओ बाजू बाजू भाई, ये मारवाड़ी तो मेरा दिल है निखट्टू जैसे तांगे का टट्टू। अड़ जाए तो घर लड़ जाए जिधर, तो अड़ जाए तो घर लड़ जाए जिधर मेरी उनसे नजर। ओ बाजू मेरा दिल है निखट्टू जैसे तांगे का टट्टू। अड़ जाए तो घर लड़ जाए जिधर, तो अड़ जाए तो घर लड़ जाए जिधर मेरी उनसे नजर। ओ बाजू अपना घोड़ा लगेगा भाई। आज चलना जरा संभल के, आ चलना कहीं ढल के, हाय दिल बोला मचल के। चलना जरा संभल के, आ चलना कहीं ढल के, हाय दिल बोला मचल के। तेरी इन अदाओं पे हो गया हूँ मैं लट्टू, तेरी इन अदाओं पे हो गया हूँ मैं लट्टू। मेरा दिल है निखट्टू जैसे तांगे का टट्टू। अड़ जाए तो घर लड़ जाए जिधर, तो अड़ जाए तो घर लड़ जाए जिधर मेरी उनसे नजर। ओ बाजू ए गुजराती के भाई। छबीली तांगे की सवारी, मैं भी कुंवारा तू भी कुमारी, तू भी कुमारी। अरे छैल छबीली तांगे की सवारी, मैं भी कुंवारा तू भी कुमारी, तू भी कुमारी। इशारे पे नाच तेरे जैसे नाचे बजर बट्टू, इशारे पे नाच तेरे जैसे नाचे बजर बट्टू। मेरा दिल है निखट्टू जैसे तांगे का टट्टू। अड़ जाए तो घर लड़ जाए जिधर, तो अड़ जाए तो घर लड़ जाए जिधर मेरी उनसे नजर। ओ बाजू मेरा दिल है निखट्टू जैसे तांगे का टट्टू। अड़ जाए तो घर लड़ जाए जिधर, तो अड़ जाए तो घर लड़ जाए जिधर मेरी उनसे नजर। माँ, डॉक्टर साहब तुमसे कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं तो क्यों? वो कमरे में नहीं है और उनका सामान भी नहीं है, मालूम होता है किसी दूसरी जगह चले गए। ये सब तिरछी कारस्तानी है, इसके मारे कोई इस घर में रह सकता है?
पूनम किसे देख रही हो? किसी को भी नहीं देख रही। मैं समझ गई। मैं समझ गई। जाइए, नहीं बोलते हम आपसे, ना कुछ कहा ना सुना, घर से चले आए। क्यों, बहुत तकलीफ हो रही थी ना? तो आप मुझे बेवकूफ बना रही थी। जी हाँ, और आप भी बनते जा रहे थे। बड़े डॉक्टर बने हैं, ये भी नहीं मालूम कि मुझे हुआ क्या। बहुत बातें ना कीजिए, कपड़े बदल डालिए। कपड़े? कैसे कपड़े? नंदू, क्या है छोकरा, क्या मांगता? डॉक्टर साहब हैं? ओ, तुमको डॉक्टर साहब मांगता है? वो तो अंदर वाला कमरे में है। ओ, अंदर वाला कमरे में है? ओ ये हाँ, गिफ्ट फिर फैमिली में सबसे पहले। ओ यस नो, गिफ्ट फिर फैमिली। सलाम मैम साहब। सलाम। डॉक्टर साहब, तो आप इसीलिए घर से चले आए? क्या? आपकी मेम साहब शहर से आ गई है ना? मेम साहब? ओ मेम साहब, जरा उन्हें बुलाना। मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, क्या है? डॉक्टर साहब आना मांगता है। डॉक्टर साहब को बाहर भेजो, हम मेरे जाने मांगता। बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, मेम साहब आपको बाहर बुलाता है। चलो। मेम साहब, डॉक्टर साहब आ गया। ओ, वो आ गया। दीदी तो डिपी भी नहीं सुबह। ये क्या? मेम साहब। मेम साहब। दीदी माँ ने बुलाया है अभी के अभी। चल जा, मैं कपड़े तो बदलूं। दीदी तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो। दीदी ऐसे ही अच्छी लगती हो। अच्छा, तो मेम साहब जाता है। जी। सुनिए, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो। हाँ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। क्या कहना चाहते हो? सरकार ढूंढने के लिए रानी। हम दोनों ने कहां कहां की नई खाक छानी। नगर नगर, डगर डगर, गांव गांव, पांव पांव। बस बस, मतलब की बात करो। लड़की कैसी है? हाँ हाँ, लड़की कैसी है? कुछ पूछिए मत सरकार। लड़की क्या है? गुलाब का फूल है। पलटू पांडे, ये तुम्हारी भूल है। क्या भूल है? हाँ भूल है सरकार, गुलाब का फूल उसके आगे धूल है। हाँ। अच्छा, भोरी भोरी, गोरी गोरी, लंबे लंबे बाल, सेव जैसे गाल, हंस नीसी चाल। बस बस, सुन लिया, बड़ी पदमनी है। जी हाँ सरकार, दिए की जोत जैसे जगेगी। ठीक रानी महारानी जैसी लगेगी। उम्र क्या होगी? यही कि 11, 12, 13, 14, 15, मुश्किल से 16। अभी अभी जवानी ने है घूंघट खोला,
कहाँ की है लड़की? फूल नगर की लड़की। तो वो लोग शादी करने को राजी हैं? सरकार, वहाँ क्या कोई मुल्ला है कि काजी है, एक भाई है, वो भी मशालची, बड़ा लालची। ओह, रुपया देना पड़ेगा? हाँ सरकार, आप एक थैली फेंक देंगे, वो कभी नहीं अड़ेगा। अच्छा, उसे चिट्ठी भेजो मुझसे आकर मिले, मैं संग्राम से बात करती हूँ। सरकार, शिकारी बंदा सिंह हाजिर है। उसे कहो कि शिकार की तैयारी करे, मैं आज ही शिकार पर जाऊंगा। शिकार शिकार कुछ नहीं, अभी थोड़े दिन तुम शिकार पर नहीं जा सकते। क्यों दीदी? मैंने तुम्हारी शादी तय की है, अगली पूर्णिमा का मुहूर्त निकला है। ये क्या किया दीदी, मुझसे पूछ तो लिया होता। तुमसे क्या पूछना है, आज तक मैंने कभी तुमसे कुछ पूछा है? लेकिन दीदी, मैं शादी नहीं करूंगा, मेरे किस्मत में रानियों का सुख लिखा ही नहीं है। तीन रानियां आई और चल बसी। चल बसी तो अपनी मौत से, हमने उनका गला थोड़ी घोड़ा था। देखो संग्राम, अभी तुम्हारा शिकार पर जाना नहीं होगा। दीदी, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, ये शादी होगी या होकर रहेगी। मैंने सोचा आप अंधेरे में होंगे, लैंटर्न लिए। ये लैंटर्न तो मेरी है। तो मैंने कब कहा कि मेरी है? आपके पास कैसे पहुंची? मैं ले गई थी। क्यों? शरारत सूझी थी मुझे। अच्छा तो मैं चली। जाइएगा? नहीं तो क्या, आपने रुकने के लिए थोड़े ही कहा। इतने तूफान में, आंधी में आपके लिए रोशनी लेकर आए, अगर कुछ एहसास ही नहीं, कोई और होता तो कहता। पूर्णिमा देवी, आपका बहुत 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 शुक्रिया। आपका शुक्रिया। सुनिए, आंधी जोर से आ रही है। हाँ। देखिए देखिए, ये सब उड़ जाएगा, सब उड़ जाएगा। हाँ। तूफान हाँ। आने वाला है, तूफान। देखिए देखिए, मेरी माता जी ने कहा था, अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो पुनः यानी मुझसे कह दीजिएगा। आप तो जानती हैं मुझे किसी की मदद की जरूरत महसूस नहीं। के लिए नहीं आएगा। माँ की जी, मैं आपकी मदद करने लगी।
तूफान आ जाए तो कोई क्या करे? हाँ, तूफान आ जाए तो कोई क्या करे? ऐसे तूफान हो मैं जाती हूँ। अंधेरे में कैसे जाऊँगा? चलो मैं पहुँचा। आपके चले जाने के बाद इन हिलते हुए खंभों को किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। मोहब्बत मेरी मेरी रंग लाने लगी है, रंग लाने लगी है मोहब्बत मेरी, रंग लाने लगी है, रंग लाने लगी है के कांटों में भी नींद आने लगी है, नींद आने लगी है मेरे दिल की धड़कन जरा सुन ले, मेरे दिल की धड़कन जरा तू भी सुन ले, जवानी मेरी हो, जवानी मेरी गुनगुनाने लगी है, गुनगुनाने लगी है जवानी मेरी, पहले हिल मिल के बातें, हिल मिल के बातें ये क्यों अब मुझे हो, ये क्यों अब मुझे शर्म आने लगी है, शर्म आने लगी है ये क्यों अब मुझे शर्म आने लगी है, शर्म आने लगी है मेरी, रंग लाने लगी है, रंग लाने लगी है। किसकी चिट्ठी है? संग्रामपुर से पलटू पांडे ने भेजी। अच्छा जी हाँ। तुम बाहर ठहरो, मैं अभी जवाब देता हूँ। जरा देखना यार ये किसकी चिट्ठी, क्या लिखा है? अरे वार तिरछे भैया, बड़े गहरे में हो, हमको बताया तक नहीं। अबे क्या बताया नहीं, क्या लिखा है? पर अरे भैया लिखा क्या है, तोबारा है, तोबारा तोबारा है। आपकी शादी तय करने के लिए बुलाया। शादी मेरे? अच्छा देख ये बात कहना मत है। अरे देख मा रही नंदू कह रहा था कोई चिट्ठी आई है। कैसी चिट्ठी है? चिट्ठी? अरे चिट्ठी विट्ठी कुछ नहीं माँ, वो उसी मनोज की नोटिस आई है। कहता है कि 25 तारीख तक पैसे नहीं दोगे तो घर पर कब्जा हो जाएगा। जी माँ देखा ना, मैं इसलिए डर रही थी कि वो आया नहीं, अब क्या होगा? अरे होगा क्या, जो परमात्मा को मंजूर है वो होगा। तू फिक्र मत कर माँ, मैं जाके उसके पैर दबाऊंगा, हाथ जोड़ूंगा, उसे समझा लूंगा। तू फिक्र मत कर, समझे? हम आ सकते हैं बड़ी सरकार, आपका हुक्म पा सकते हैं बड़ी सरकार, आओ। ये है हमारी बड़ी सरकार और ये है तिरछे ठाकुर, बड़े बहादुर ठाकुरों की शान, आन बान शान, शान पर हो जाए कुर्बान, दे दे अपनी जान। ये सब मैं सुन चुकी हूँ, तुम लोग जाओ, मैं इनसे बात करूंगी। बहुत अच्छा,
बैठिए। हाँ तो आप अपनी बहन की शादी हमारे यहाँ करना चाहते हैं? जी नहीं, आप अपने भाई की शादी हमारे यहाँ करना चाहती हैं। ओह, बात तो एक ही हुई। जी हाँ, बात तो एक ही है, मगर ढंग निराला है। पांडे जी से मालूम हुआ कि आपको इस शादी से कोई एतराज नहीं? एतराज तो कुछ भी नहीं है, अगर है भी तो बहुत मामूली सा। वो क्या? वो ये कि कहाँ आप कहाँ मैं आपका स्वागत तो कर ही नहीं सकता। अच्छा, तो आपका मतलब है कि हमें अपना स्वागत आप करना पड़ेगा? आप बड़ी समझदार हैं, या मुझे स्लैग बना लीजिए। रुपए की बात आप बड़े ढंग से करते हैं। जी हाँ, यही तो कमाल है तिरछे में। क्या करेंगे आप रुपयों का? आपकी कसम, किसी ने काम में नहीं लगाऊंगा, उड़ा दूंगा, फेंक दूंगा। यही तो एक मर्ज है तिरछे में, जरा जेब भरा रहता है तो दिल को इत्मीनान रहता है। अच्छा, तो 5,000 आपको अभी मिलेंगे और 20,000 शादी के बाद, ठीक रहेगा ना? अजी बिल्कुल ठीक, ठीक का बाप है। तो फिर शादी तय रही ना? बिल्कुल तय रही। नमस्ते। नमस्ते। एक बात है। वो क्या? वो ये है कि रुपए की बात मेरी माँ को जरा भी ना मालूम हुए। वरना क्या होगा? होगा ये कि बारात वापस और रुपया आ जाए। अच्छा। नमस्ते। नमस्ते। यार तू ऐसा कर, गांव गांव में वॉलंटियर भेज दे। अच्छा, और सबसे कह दे कि तिरछे बाबू के घर में वो जमा होगा कि आज तक कहीं नहीं हुआ। क्यों तिरछे भैया, कहाँ हाथ मारा? अबे अपना हाथ तो ऐसी लगता है, देख 5,000 रुपए की गड्डी रखता हूँ। यार सबसे कह दे जिसको अपना अरमान निकालना हो आके निकाल ले। क्या कहने हैं तिरछे भैया, हौसला हो तो बस आपका जैसा। अबे अभी तक हौसला ही नहीं देखा है। अच्छा जा, अब आंदे चल जा भैया। कुछ तेरे से तो आजीज आके आया हूँ, जब देखो हाथ भी पता। तिरछे, अरे वो तिरछे जिनका नाम है बेहद, तुझे कभी होश आएगा या नहीं? क्या हुआ? मैं तो तेरी राह देख रही हूँ, अब आता है अब आता है, क्या खबर लाता है क्या नहीं, और तुझे कुछ होश ही नहीं? सीधा तो चला रहा हूँ माँ। तो क्या कहा उसने? वो कहता क्या, वो कोई आदमी है? आदमी नहीं तो क्या है? अरे वो जानवर से बदतर, एक बात की रट लगाया, रुपए लाओ नहीं तो घर पे कब्जा। देखा, जो मैं सोचती थी वही हुआ, अब उठाओ डेरा और रहो पेड़ के नीचे, समझे? मेरी बात तो तू पूरी सुनती नहीं माँ। अरे अब और क्या सुनने को बाकी रह गया, जो सुनूं। देख मैंने कहा था ना कि वही होगा जो परमात्मा को मंजूर। क्या हुआ? किस्मत ऐसा पलटा खाती है, मैं रास्ते में जा रहा था, एक साधु महाराज मिल गए, मुझे देखते ही कहे, अरे बत्ता इधर आ इधर आ। मैं गया, कर लगे ला तेरे पास रुपया हो तो दे, मैंने रुपया दे दिया, मुझे बड़ा आशीर्वाद दिया। और ये बात सच्ची होगी? क्या हुआ? रास्ते में संग्रामपुर के महाराज मिल गए, मुझे देखते ही कहने लगे तुम तिरछे हो? मैंने कहा जी हाँ। बड़े तपाक से मिले, मुझे महल में ले गए। अच्छा फिर? और पिताजी की बड़ी तारीफ करने लगे माँ, इतनी तारीफ की कि तारीफों का पुल बांध दिया। हाँ बेटा, तेरे पिताजी का जमाना ही ऐसा था। बातों में मैंने अपनी मुसीबत जाहिर की। हाँ। तो कहने लगे किसी की क्या मजाल जो तुम्हें आंख उठा कर देखे। अच्छा। हाँ। बड़े भले आदमी मालूम होते। अरे बड़े भले आदमी। अब मजे की बात तो ये है माँ, उनकी बहन बड़ी अच्छी, मगर मुझे मुसीबत में डाल दिया। मुसीबत क्या? अरे क्या बताऊँ माँ। अरे बोलना। बोल दो। हाँ। कहने लगी कि तुम अपनी बहन की शादी मेरे छोटे भैया से कर दो। शादी? हाँ? क्या बकता है, मैं तेरी ये उल्टी पलटी बातें कुछ नहीं समझती। तो बड़ी सीधी है माँ। अरे तू नहीं समझती, राजा की इतनी धाक है, अगर ये शादी हो गई तो कोई चू नहीं करेगा और अपनी सारी मुसीबत दूर हो जाएगी। बात ठीक है बेटा, लेकिन कुछ देना तो नहीं पड़ेगा? देना क्या पड़ेगा, बल्कि लेना पड़ेगा। अरे मैं ठीक करके आया हूँ बात। तो तुझे शादी मंजूर है? 16 आने मंजूर है। अपनी पूनम रानी बनेगी, संग्रामपुर के महाराज की रानी बनेगी माँ। हाँ बेटा बात तो बहुत ठीक है, लेकिन तो फिर मैं मंजूरी भेज दूँ? अरे तू सोच समझ लिया है ना? अरे सब कुछ ठीक करके आया हूँ। अब मेरा तिरछे होशियार हो गया है। पूनम इतनी रात को? हाँ। बैठो, क्या बात है? चिट्ठी लाई। किसकी? किसी की भी हो, बदली
ना ये आपने बताया ना मैं सोच सकी। आज वो दिन आ गया है कि मेरी माँ मेरे भाई मेरी जिंदगी किसी और के साथ बांध देना चाहते हैं। बताइए बताइए मैं क्या करूं। करो ये बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। एक रास्ता नजर आता है हम दोनों कहीं भाग चले, लेकिन तुम्हारा खानदान तुम्हारी बूढ़ी माँ की आशाएं नहीं। मैं ऐसी सलाह तुम्हें कभी नहीं दूंगा। तुम शादी कर लो, मैं तुमसे दूर रहकर तुम्हारी मोहब्बत की अलग जगाऊंगा। करते
के रहना हो तो किसकी इजाजत चाहिए, दिल की इजाजत चाहिए, बस दिल की इजाजत चाहिए, दिल में किसी के रहना हो तो किसकी इजाजत चाहिए। पे तुम्हारे आया दीवाना हसरत का टूटा प्याला लिए, घर पे तुम्हारे आया दीवाना हसरत का टूटा प्याला लिए, देने वाले जरा इधर भी थोड़ी मोहब्बत चाहिए, दिल की इजाजत चाहिए, बस दिल की इजाजत चाहिए, दिल में किसी के रहना हो इजाजत चाहिए, दिल की इजाजत चाहिए, बस दिल की इजाजत चाहिए।
देवी का मंदिर, यहाँ सिर्फ घी का चराग जलता है और वो भी घर की बहू के हाथों जलना चाहिए। ये अखंड ज्योति जो दिन रात जलती रहती है, इसी को मर्यादा देवी कहते हैं। और देखो, इसके अंदर है देवी का अमर प्रसाद। इस प्रसाद की एक ही बूंद जीवन से छुटकारा पाने के लिए काफी है। क्या मतलब? हमारे खानदान में जब भी कभी किसी ने अपनी कुल की मर्यादा को खतरे में देखा, इसकी एक ही बूंद लेकर सो गया और फिर कभी न उठा। हमारी दादी कहती थी कि इसे जो पीता है, देवी उसे अपने चरणों में स्थान देती है। डाइन मालूम होती ना, इसीलिए ना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने साथ ले जाऊंगी। आओ आओ, डरते क्यों हो? मैं तुम्हें खा तो नहीं जाऊंगी। इस महल की डाइन तो कोई और है। तुम लाख बचना चाहोगे लेकिन बच नहीं सकते। बहुत दिनों बाद फुर्सत मिली है मेरे पास आने की। रोज आती थी, चिराग जलाकर चली जाती थी। आज कुछ बात करना चाहती हो? आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बड़ी अच्छी सलाह दूंगी। डॉक्टर को कौन? डॉक्टर जलेबी, तुम यहीं ठहरो, मैं डॉक्टर को लेकर के आता हूं। बहुत अच्छा जी, क्या हुआ रानी जी? क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, मुझे घर की याद आ रही। जलेबी, तुम मेरे भैया को बुला दो। बुला दो दीदी। नंदू दीदी, कैसी हो दीदी? तुम्हारी तबीयत कैसी है? अच्छी हूँ माता जी। कैसी भैया? तो अच्छे हैं ना? सब अच्छे हैं। तू कैसा है? मैं भी अच्छा हूँ। कौन है ये लड़का?
कौन है ये? रानी जी के छोटे भाई। छोटा भाई? मुझे तो कोई पास पड़ोस का छोकरा मालूम होता है। भिखारियों जैसी शक्ल। दीदी मुझे चाहे जो कह लीजिए मगर मेरे भैया को कुछ न कही। बड़ी आई भैया वाली, न नजर न भेंट, चला आया कंगाल का लड़का। बिंदिया इसे ले जाओ, पहले संग्राम के सामने पेश करो, वहाँ कुछ नजर दे फिर यहाँ आए। महल के रीति रिवाज भी नहीं जानते। रो मत दीदी, मैं और अच्छे कपड़े पहन कर आऊंगा, फिर तो कोई नहीं मुझे कंगाल कहेगा। नंदू तू यूं भी अच्छा लगता है, जा इसके साथ राजा साहब से मिला जाके, और देख ये भेंट दे देना। अरे माता जी आप इस वक्त कहीं कैसे आना हुआ? बैठिए, आपको तो बुखार था ना? हाँ बेटा, क्या करती, नंदू ऐसी बुरी खबर लेकर आया था कि मुझे यहाँ तक आना ही पड़ा। कैसी खबर? पूनम की तबीयत बहुत खराब है बेटा, वहाँ के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है अब तुम ही एक सहारा हो। मैं यही कहने आई थी कि तुम उसे देखने चले जाओ। क्या सोचने लगे, अब और कुछ मत सोचो बेटा, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अगर तुम न गए तो मैं अपनी पूनम को देखने के लिए चली जाऊंगी, चाहे रास्ते में मेरी जान ही क्यों न चली जाए। कैसे न कही माता जी, डॉक्टर के सामने मरीज को देखने का पैगाम आए और वो इनकार कर दी, ये कैसे हो सकता है? मैं पूनम को देखने जरूर जाऊंगा। कहिए साहब। राजा साहब से कहो हमारे गांव से डॉक्टर साहब आए। जी क्यों डॉक्टर साहब, दीदी का महल देख रहे हैं? यहाँ दीदी को सब लोग रानी साहबा रानी साहबा कहते हैं। अच्छा, डॉक्टर। राजा साहब आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जी मुझे भी। नंदू अपनी दीदी से जाकर कहो कि तुम्हारे गांव से डॉक्टर आए हैं। जी फेंक दो ये सब दवाएं, दवाएं मुझे ठीक नहीं कर सकती। लेकिन आप जा कहां रही हैं, आराम कीजिए। ओह दीदी, नंदू तू आ गया। हाँ दीदी, डॉक्टर साहब भी आ गए। डॉक्टर? डॉक्टर ये बच्चा आपकी बहुत तारीफ कर रहा था। मैं मर्ज बहुत जल्द पहचान लेता हूँ। यही चाहिए भी, अभी तक यही पता ना चला कि मर्ज क्या है। मुझे यकीन है कि मैं बता सकूंगा। अच्छा तो फिर आइए, चलिए। तू डॉक्टर को क्यों लाया? रानी तुम्हारे गांव से डॉक्टर आए। जी नमस्ते। नमस्ते, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। अच्छी कहाँ हो रानी, तुम्हें जो जो शिकायतें हैं इन्हें बता दो। डॉक्टर साहब तशरीफ रखिए। क्या क्या शिकायतें हैं आपको? क्या कीजिएगा सुनकर, इलाज करने आए हैं बीमार करके। तो क्या ख्याल है आपका मैं चला जाऊं? मैं ये कहां कह रही हूं, आपको राजा साहब ने बुलाया है, रहिए। लेकिन क्यों? इलाज के लिए। डॉक्टर साहब मुझे ना जाने क्या हो गया, क्या हो गया है मुझे, अब मैं जिंदा ना रह सकूंगी। ऐसा क्यों कहती हो?
ठीक इलाज होना चाहिए, हर मर्ज दूर हो जाता है। नामुमकिन, मर्ज लाइलाज है। ये डॉक्टर कह सकता है। पूनम, मेरी तरफ देखो। तुम्हारी आंखें भारी हैं, कब से नहीं सोई? लोए खा लो। अब आराम से सो जाओ। देख करती रात नींद नहीं आई, सुबह देर से उठा। क्यों, नींद क्यों नहीं आई? बहुत सी बातें सोचता रहा। मैं ये सोच रहा हूं कि राजा साहब जाने से पहले ही मैं यहां से चला जाऊं। क्यों, चुप क्यों हो गए? शायद मेरे यहां रहने से तुम्हें तकलीफ हो। मुझे कोई तकलीफ नहीं, डॉक्टर के साथ रहने से मरीज को इत्मीनान रहता है। और डॉक्टर के चले जाने के बाद? लगती मामला सब कूल हो गया। सच कहो पूनम, मेरे जाने के बाद क्या होगा? कुछ और बातें कीजिए ना। और क्या बातें करूं, कुछ समझ में नहीं आता। मैं तुमसे वही बातें कर सकता हूं जो एक डॉक्टर मरीज से। पूनम, कभी कभी ऐसा मालूम होता है जैसे एक टूटा हुआ सपना देख रहा हूं। मुझे मंदिर में जाना है। सरकार, अगर गुस्ताखी हो माँ तो कह दें साफ साफ। क्यों, क्या देखा? सरकार, मत पूछिए इन बातों का लेखा, ख्याल आप ही कर सकती है। जी हाँ, बात वही है। हाँ सरकार, मामला बहुत बढ़ चुका है। रंग गहरा चल चुका है। दिल तो बिल्कुल मिल चुके हैं, प्रेम के धागे में सिल चुके हैं। आंखों आंखों में बात होती है सरकार। दिल से दिल की मुलाकात होती है सरकार। सरकार, रानी कहती थी वक्त तुम्हारे साथ बहुत अच्छा गुजरता है, लेकिन दिल में डरता है। ये जो जीवन अपना है, सुबह का सपना है, एक दिन जब तुम मोड़ जाओगे, याद अपनी छोड़ जाओगे। बस बंद करो ये बकवास और चले जाओ यहाँ से। बहुत अच्छा सरकार, लेकिन सरकार एक बात और है जो काबिले गौर है। क्या? गांव वाले छोटी सी बात का अफसाना बना रहे हैं, घास का दाना बना रहे हैं। ठीक है, मैं सब समझती हूँ, तुम रुक जा सकते हो। दीदी, क्या बात है दीदी, तुम रो रही हो? संग्रामपुर के ठाकुर के मुंह पर लगी हुई कालक को अपने आंसुओं से धो रही हूँ। क्या मतलब? तुम्हें पता नहीं, महल की दीवारें जानती हैं, गांव का बच्चा बच्चा जानता है, और तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। क्या संग्राम दुनिया अंधी नहीं है? दुनिया अंधी है, तुम नहीं समझोगे। मैं ठीक समझता हूँ। मैं उस कलंकनी को इस महल में नहीं रहने दूंगी। दीदी, ये मेरा हुक्म है। नहीं, तुम्हारा हुक्म तीन दानियों की कुर्बानी ले चुका है। मैं पूनम को नहीं मरने दूंगा, मैं पूनम को नहीं मरने दूंगा। पूनम ऐसी नहीं है, पूनम ऐसी नहीं है।
माफ कीजिए। आप इस वक्त? जी आने ही पड़ा। क्या हुआ? देखिए राजा साहब समझते हैं कि मैं अभी ठीक नहीं हुई, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई। आप कैसी हैं ये ना राजा साहब जानते हैं और ना आप, ये मैं जानता हूँ। कहिए क्या कहना चाहती थी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई। तो मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए, यही ना? जी चला जाऊंगा। ओहो रानी तुम यहीं बैठी हो, अच्छा हुआ मैं तुम्हें बुलाने ही वाला था। ओहो डॉक्टर तुम वहां क्या कर रहे हो? जाने की तैयारी। जाने की तैयारी क्यों? मैंने तुमसे कहा था ना जब तक रानी की तबीयत बिल्कुल ठीक ना हो जाए तुम यहां से नहीं जा सकते, और फिर परसों हमारी शादी की सालगिरह है उसमें शरीक होना जरूरी है। क्या तुम हमें मुबारकबाद नहीं दोगे? जरूर दिल से, मेरी तरफ से आज ही हजारों बधाइयां कबूल कीजिए। आज नहीं उसी दिन। फिल्म में जल उठी क्षमा
क्या हो गया है पूनम? दौरा हुआ है। दौरा? जी हाँ, मोहब्बत का दौरा। क्या कह रही हैं आप? इतने दिनों बाद गुल खिलाए है रानी जी ने, कौन जानता था भोली भाली सूरत में इतना जहर भरा है। देखिए आप मेरी बहन का अपमान कर रही हैं। उस कलंकनी ने हमारे खानदान का अपमान किया है। मैं कह देता हूँ कि जबान संभाल के बात करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तिरछे जी, जरा आहिस्ता बोलिए, लोग सुनेंगे तो हंसेंगे। मुट्ठी भर रुपयों के लिए बहन को बेच दिया और अब भाई का दावा लेकर आए हो। तिरछे भाई, जरा सुनना, मेरे साथ आओ। मैं अभी आता हूँ। आप नाराज हैं? वो ठीक कहती है, तुमने भाई का हाथ खो दिया। अकबक, मैं कुछ नहीं जानता। मैं पूनम को किसी हालत में दुखी नहीं देख सकता। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। आओ अंदर आओ। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि यहाँ पूनम की इज्जत एक खरीदी हुई दासी से ज्यादा नहीं। सारा महल उसे गिरी हुई निगाहों से देखता है। उसको ताने दिए जाते हैं, उस पर जुर्म किए जाते हैं। अब लेक्चर ही देते रहोगे या कोई रास्ता बताओगे? तुम्हें काम करना होगा। मैं अपनी बहन की खुशी हासिल करने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तो वो सब रुपया वापस कर दो जो तुमने उसकी शादी में लिया था। डॉक्टर, वो रुपया तो खर्च हो चुका है, अब मेरे पास कुछ नहीं। गांव बेच डालो। कैसी पागलपन की बातें करते हो? अब वो गांव मेरा कहाँ रहा? जानता हूँ, गांव मेरा है। गांव तुम्हारा? हाँ। उस रोज कब्जा लेने गया तो तुम्हारे घर की हालत देखकर चुप रह गया। आखिर आप चाहते क्या हैं? तुम्हारा मतलब? आग काफी लग चुकी है। मैं देख रहा हूँ। फिर तुम क्या चाहती हो? हजार बार कह तो चुकी कि आप यहाँ से चले जाइए। मैं चला तो जाऊंगा पूनम, लेकिन मेरे चले जाने के बाद भी याद नहीं बुझेगी। ना बुझने दीजिए, चल जाने दीजिए, मर जाने दीजिए, लेकिन आप चले जाएंगे। तो क्या ख्याल है, इस गलत फहमी को दूर करने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी? ये आग मेरे ही हाथों से बुझेगी पूनम। मेरी आग बुझाने के लिए आप अपने हाथ ना चलाइए, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। ऐसा तो मैं भी कहा करता था पूनम, लेकिन उस दिन के तूफान ने मेरे ख्यालात बदल दिए और आज तक बदले हुए। हर इंसान को किसी ना किसी वक्त किसी की मदद की जरूरत पड़ती। मुझे मदद करने वाला मिल गया। कौन? वही आग लगाने वाला? जिसने आग लगाई है वो आग क्या बुझाएगा? आपका मतलब? तुम्हारे स्वामी से, तुम्हारे प्राणनाथ से। खामोश, आप यहाँ से चले जाएंगे। मजबूर मेरी आंखें
भाई साहब बोले पूनम ऐसी नहीं, मैं पूनम को नहीं मरने दूंगा, मैं ही दाइन हूँ। मैं कहती हूँ कुल की मर्यादा खतरे में पड़ चुकी है, देवी की शरण जाने के सिवाय अब रानी के लिए कोई रास्ता नहीं, उसे प्राश्चित करना ही पड़ेगा और वो भी सवेरे से पहले। लेकिन वो मेरा जिम्मा है, तुम सिर्फ एक काम करो, अभी जाकर उस डॉक्टर का काम तमाम कर दो। लेकिन इसमें डॉक्टर का क्या कसूर है? उसने तिरछे को भड़काया है कि रानी की इज्जत यहाँ एक नौकरानी से भी बदतर है, वो सुखी नहीं है। तिरछे को चाहिए कि जैसे भी बने जल्द से जल्द अपनी बहन को इस महल से निकाल ले जाए। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो ये बहू आज ही कल में हमारे, तुम्हारे और सारे खानदान के मुंह पर तालिक लगाकर चली जाएगी। दीदी, राजपूती शान जरा भी बाकी हो तो उससे पहले ही शाम का सर कुचल डालो। डॉक्टर, डॉक्टर। तुम्हारी जिंदगी? क्योंकि मैंने पूनम को नई जिंदगी दी थी इसलिए। अच्छा होता तुम उसे जहर देकर मार डालते। डॉक्टर, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता, तैयार हो जाओ मरने के लिए। आपके हाथ कांप रहे हैं राजा साहब। हट जाओ, आपका दिल कांप रहा है, कितना कमजोर दिल है आपका, और होना भी चाहिए, चोट खाया हुआ है ना? तुमने इसे जख्मी किया है, आस्तीन के सांप। मैंने तुम्हें बुलाया, अपने घर में आसरा दिया, तुमने मेरा ही घर जला दिया। ये आप कैसे कह सकते हैं? सारा महल जानता है, गांव का बच्चा बच्चा जानता है, दुनिया जानती है, मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकता। इस बंदूक से कुछ काम लीजिए, आपके पास यही दो चीजें तो हैं, दौलत थी उसे दिखाकर एक मासूम लड़की की जिंदगी खरीदी, बंदूक है उसे दिखाकर लोगों को मौत की धमकी दे रहे हैं। ये धमकी नहीं, मौत का ऐलान है। धमकियां वो दिया करते हैं जिनके पास ताकत नहीं होती। ये बंदूक निकली है सिर्फ तुम्हारे सीने पर चलने के लिए। मैं सिर्फ तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि तुम पूनम से मोहब्बत करते हो या पूनम तुमसे? पूनम मुझसे मोहब्बत करती थी लेकिन अब नहीं। मैं पूनम से मोहब्बत करता था और अब भी करता हूं और जिंदगी भर करता रहूंगा। डॉक्टर! राजा साहब, आपके दिमाग में जहर उंडेला गया है। पूनम बिल्कुल बेगुनाह है, गुनाहगार अगर कोई है तो बस एक आपकी दीदी। ये उन्हीं के दिमाग का जहर है जो आपकी तीन नानियों की जिंदगी ले चुका है और अब पूनम की जिंदगी लेने की ताक में है। जल्दी कीजिए राजा साहब, आपकी जगह मैं होता तू अपनी जान देगा भी पूनम को बचाता। तो तुम्हारा क्या मतलब है? किसी की मोहब्बत हासिल करने के लिए जिंदगी देनी पड़ती है? जी हाँ, ये मोहब्बत का सबसे पहला सबक है राजा साहब, याद करें। मोहब्बत का पहला सबक, इस दौलत के बल पे तुम कूद रही थी, यह रही पूनम की कीमत जिससे तुमने उसे खरीदा था। इन सोने चांदी के टुकड़ों से अपनी तिजोरी सजाओ और इस दौलत से अपने भाई के लिए पांचवीं गुड़िया खरीदो। मेरे बाजुओं में अभी इतनी ताकत है कि मैं अपनी बहन को बिठा के खिला सकता हूँ। हाँ हाँ, ले जाइए अपनी बहन को, हम खुद उसे इस महल में रखना नहीं चाहते, वो हमारे खानदान के काबिल नहीं है। देखो, हमारा तुम्हारा फैसला हो चुका है,
खबरदार जो मेरी बहन के लिए बुरा भला कहा। आप अपनी बहन को आज ही और इसी वक्त ले जा सकते हैं। हाँ ले जाऊंगा, क्या मैं तुम्हारी गालियां खाने के लिए रहने दूंगा? अभी ले जाऊंगा और इसी वक्त ले जाऊंगा। पूनम भैया, आज मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। जिस दौलत से इन लोगों ने तुझे खरीदा था, आज वो दौलत मैंने इनके मुंह पर मार दी। अच्छा किया, अब हमारा मुंह उजला हो गया। चल घर चल। घर? मेरा घर तो यही है, मैं इसे छोड़कर कहां जाऊंगी? बड़ी आई घर वाली, वो बुढ़ी तो तुझे घर से निकालने पर तुली है और तू कहती है मेरा घर मेरा घर। तुम उनकी बातों का ख्याल ना करो, दीदी का स्वभाव जरा तेज है, लेकिन वो तो मुझसे कुछ नहीं कहती। वो तुझसे क्या कहेगा, पिया ना पूछे बात और नाम मेरा स्वागत। भैया जलेबी जी, संग्राम बाहर गया है और रानी का भाई रानी को ले जाना चाहता है, निगाह रखना होगा। मैं सब कुछ जानता हूँ, तेरी जिंदगी से तो मर जाना बेहतर। मरूंगी भी तो इसी घर में, अब तो इस घर से मेरी अच्छी ही निकलेगी, मैं कहीं नहीं जाने की। लेकिन मैं उस बुड्ढी से कहकर आया हूँ कि मैं अपनी बहन को साथ लेकर जाऊंगा, मैं कभी गवारा नहीं कर सकता कि मेरी नाक नीची हो। मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हारी नाक नीची ना हो। तो तू मेरा कहना नहीं मानेगी? मैंने कभी तुम्हारा कहना नहीं माना, आज भी नहीं मानूंगी। भैया हमेशा की तरह आज भी माफ कर दो। रानी तुम्हारे भाई तुम्हें लेने आए हैं, तुम्हें इन्हें नाखुश नहीं करना चाहिए। मुझे आपकी खुशी देख रही है। यही मेरी मर्जी है। मर्जी किसी मजबूरी से हो सकती है। किसे ठाकुर, जरा एक मिनट। हाँ हाँ जरूर, लेकिन मैं अपनी बहन को साथ लेकर जाऊंगा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप मुझे भेजकर सचमुच खुश हैं? आप खुश हैं? अब मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ पूनम। ये आप कैसे कह सकते हैं कि मैं आपसे दूर रहकर खुश रहूं? तुम मुझसे दूर तो नहीं जा रही हो, इस महल से दूर जा रही हो, इस फिजा से दूर जो तुम्हें रास नहीं आई। आप मुझे निकाल तो नहीं रहे? तुम वहां हो जहां से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। आप मुझे पहला रही। तुम समझती नहीं हो पूनम, मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। बीमारी से उठी हो, जगह बदलेगी, आबहवा बदलेगी, मन बदल जाएगा। मैं तुम्हारे जाने के लिए तैयारी करता हूँ। लेकिन संसार तो उसे दोषी ही समझता है। सवेरे से पहले जब रानी चली जाएगी तो लोग कहेंगे संग्राम की रानी भाग गई। वो भी कोई बात नहीं, मैंने तय किया है मैं ही तुम्हारी मर्यादा की रक्षा करूंगा। कल सवेरे रानी के चले जाने के बाद रानी के बदले मैं ही प्रायश्चित करूंगा। दीदी को देश निकाला दिया जाएगा और पूनम इस महल की रानी बनेगी। दादी कहती थी कि इसे जो पीता है देवी इसे अपने चरणों में स्थान देती है। कौन को बच्चा बच्चा जानता है और तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। क्या चारों तरफ धुआं उठ रहा है और तुम्हें पता नहीं आप कहाँ लगी है? तुम्हारी रानी पूनम और डॉक्टर का साथ साथ उठना बैठना हंसना बोलना सैर सपाटे के लिए जाना भजन बंद कर दूर रहा है गाँव की गलियों में। Thank you.
रानी उठो, जाने का वक्त हो गया। सुना तुमने? जी, जाने का वक्त हो गया। उठो रानी, आज तुम्हारे चेहरे पर मैं वो हंसी देख रहा हूं जो पहले कभी नहीं देखी। दुल्हन नहीं घर जा रही है ना? क्या सोच रही हो? फिर आपके दर्शन? मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगा महाराज। मैं तुम्हें खुद लेने आऊंगा महाराज। चलो जल्दी करो, उजाला होने से पहले ही हमें यहां से चला जाना है। उजाले में आए थे, अंधेरे में जा रहे हैं महाराज। रानी जल्दी चलिए ना। समझ रही हो? फिर आपके दर्शन? मैं तुम्हें खुद लेने आऊंगा। डॉक्टर, मैं पूनम को ले आया हूं, अब वो कभी ससुराल नहीं जाएगी। ये तुमने क्या किया? चलो वो तुम्हारा इंतजार कर रही, मैंने तुम्हारे लिए तो गाड़ी यहां रोकी है, वरना मैं उसे सीधा घर ले जाता। चलो आओ, सोच क्या रहे, चलो आ। छोड़ के क्यों चली आई? घर छोड़कर कहाँ? घर तो जा रही हूं। क्या हुआ पूनम? कुछ भी तो नहीं, तूफान आ रहा है, बहुत जोर से आ रहा है तूफान। तूफान? कौन है? राजा साहब। राजा साहब? हाँ। लेकिन ये यहां क्यों आए? क्या हुआ, ये गाड़ी क्यों रुक गई? पूनम, 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 परवाने के लिए इस बनी है दुनिया।